पंजाब से भी आज बड़ी खबर आई है। बीजेपी ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी लोकसभा चुनाव में पंजाब में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी की बात नहीं बनी है। पंजाब में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब की सभी 13 सीटें, सब पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोकसभा चुनाव कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहबान की वख वख राय, उन्हें सारे लैके उसके बाद पंजाब के भविख, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, पंजाब के व्यापारी, पंजाब के सनतकार, पंजाब के मजदूर, साडा पिछड़ा वर्ग, सारे की बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया। तो अब सवाल ये कि बीजेपी का ये पंजाब प्लान कितना नफा कितना नुकसान, रामकृपाल सर अकेले चुनाव लड़ने का फायदा ज्यादा होगा बीजेपी को या अगर साथी तलाश कर लेती तो बेहतर रहता? नहीं, तात्कालिक नुकसान हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बीजेपी के लिए बहुत फायदा है। आप देखिए, बीजेपी ने जब जब बैसाखियां छोड़ी हैं, सबसे पहले महाराष्ट्र में 2014 में जब आए, शिवसेना से उन्होंने एक तरह से जानबूझ करके किनारा किया और वहां पे नंबर वन बड़े भाई साहब बन गए। जब तक आप अकाली दल पंजाब में बीजेपी के लिए लायबिलिटी था, ठीक है सर, भले ही मैं आपको सीधे लेकर चलेंगे दर्शकों को, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनते हैं जरा। कई बार ये लोग किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, यही समझ से परे है। देखिए, देश को कैसे भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अभी केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारी विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। ये बयान जितना विचित्र है उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले दो मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्ला खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। ABP News, आपको रखे आगे।